तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। यदि आप असम घूमने जाने का सोच रहे हैं, यदि आप माँ कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी के दर्शनों के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम असम गुवाहाटी के सबसे प्रसिद्ध सबसे चमत्कारी मंदिरों की जानकारी इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो यदि आप असम गुवाहाटी घूमने जाने की सोच रहे हैं तो इन मंदिरों को आपको ज़रूर से देखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इन मंदिरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है और फिर आप इन मंदिरों को आसानी से देखने दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो अधिक बात नहीं करते हुए आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित गुवाहाटी, इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूजा करने के लिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और ये जगह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। कभी किसी समय में ये स्थान कामरूप के प्राचीन राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ कई राजाओं ने राज्य भी किया और इन्हीं राजाओं के द्वारा यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यदि हम इन स्थानों को भारत के पर्यटन स्थलों से जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। गुवाहाटी के मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, खासकर माँ कामाख्या देवी का मंदिर जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ आम्बुवाची मेला भरता है जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मेला होता है जहाँ माता रजस्वला होती है। आइए गुवाहाटी के इन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मंदिर की बात करते हैं, माँ कामाख्या देवी मंदिर। जी हाँ, वैसे गुवाहाटी अपने बहुत सारे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब गुवाहाटी की बात करें तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुवाहाटी के हृदय स्थल में माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। कामाख्या देवी का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और काफ़ी खूबसूरत स्थान है। यहाँ से आप पूरे शहर को निहार सकते हैं, पूरे शहर को देख सकते हैं। असम में आने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि इस मंदिर के दर्शनों के लिए नहीं जाता होगा। तो कामाख्या देवी मंदिर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। धार्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन की दृष्टिकोण से, वास्तुकला के दृष्टिकोण से ये बहुत ही रोचक और सुंदर स्थान है। इसकी दीवारों पर मूर्तियाँ बनी हुई है जो अपने आप में बहुत ही प्राचीनता लिए हुए है। अंदर तीन मंडप है और यहाँ वैसे देवी की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ देवी की योनि का पूजन किया जाता है। जी हाँ, इसकी एक अलग कहानी है जिसमें जब भोलेनाथ शिव की धर्म पत्नी आदि शक्ति माँ सती अपने ही पिता के घर में महादेव शिव का अपमान सहन ना कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर जब उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया, तब भोलेनाथ शिव माता सती के मृत शरीर को शव को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में क्रोधित अवस्था में घूमने लगे। तब देवी के मृत शरीर के प्रति मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के कई टुकड़े कर डाले और वो टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे। कहते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर जो है वहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था और आज भी यहाँ माता के योनि की ही पूजा की जाती है और यहाँ माता वास्तविक तौर पर रजस्वला भी होती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इन चार दिवसों में मासिक धर्म के समय में अपने आप ही लाल होने लगता है। ये चमत्कार किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप भी इस चमत्कार को देखने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है माँ कामाख्या देवी का मंदिर। दूसरे मंदिर की बात करते हैं, गुवाहाटी के प्रसिद्ध मंदिरों में उमानंद मंदिर आता है। भगवान उमानंद को समर्पित, जो भगवान शिव के एक अवतार हैं, ये स्थान भी गुवाहाटी के सबसे लुभावने मंदिरों में से एक है। गुवाहाटी के बालाजी मंदिर की तरह इसमें भी भगवान शिव की एक मूर्ति है और दिलचस्प बात यह है कि ये स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है, जहां आपको
नाव की सहायता से, नौका की सहायता से उमानंद द्वीप तक जाना होता है, इस मंदिर तक जाना होता है। यहाँ भगवान शिव के अवतार का पूजन किया जाता है। शिवरात्रि पर यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जा सकती है। ये बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही अद्वितीय खूबसूरती के साथ में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ बहुत ही शांति आपको महसूस होगी। कई सारी कहानियाँ हैं, किदवंतियाँ हैं, कहते हैं कि एक बार कामदेव ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए यहाँ पर नृत्य किया था और काम बाण उन पर चलाया था। तब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और एक ही क्षण में कामदेव राख में बदल गए। तो ये स्थान वो स्थान है जहाँ कामदेव भस्म हुए थे, और ये स्थान अपने आप में एक पौराणिक महत्व भी रखता है और ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। उमानंद मंदिर देखना बनता है, जरूर देखने जाएं। सुबह 5:30 पर ये मंदिर खुल जाता है और शाम को 6 तक ये मंदिर खुला रहता है। मयूर द्वीप उत्तरी गुवाहाटी असम में ये मंदिर स्थापित किया गया है, जो कि कामाख्या देवी मंदिर से 7-8 की दूरी पर है। आप वहाँ पर जरूर जाएं। इसके अलावा गुवाहाटी के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंदिर है, जो कि तिरुपति बालाजी के नाम से यहाँ ये मंदिर जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको वेंकटेश्वर भगवान के अलावा और भी देवी देवताओं का यहाँ पर पूजन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से, मूल रूप से ये दक्षिण भारत के मंदिर के वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ आपको प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति और मुख्य मंदिर में बालाजी की मूर्ति देखने को मिलेगी। गुवाहाटी के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से इसे एक माना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। खासकर इस मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को अपनाते हुए सुंदर सफ़ेद दीवारों के साथ में ये मंदिर बनाया गया है, जहां आप भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी से अपनी मनोकामना रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें यहां पर भगवान के जो वाहन है वो गरुड़ भी यहां पर शामिल है। यहां पर भगवान शिव की एक 40 पुरानी मूर्ति स्थापित है। और गुवाहाटी में बालाजी मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पूजनीय स्थान है। तिरुपति बालाजी भारत का सबसे ज़्यादा जहां पर श्रद्धालु जाते हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है, आपको मालूम ही होगा। तो तिरुपति बालाजी के इस अद्भुत मंदिर के दर्शनों के लिए जब आप कामाख्या देवी मंदिर जाएं तो ज़रूर जाएं। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जो कि देखने योग्य है। ऐसे ही गुवाहाटी के मंदिरों में एक उग्रतारा मंदिर है, जो कि देवी सती को समर्पित है। हालांकि यह देवी उग्रतारा उनका अवतार है, क्योंकि इस अवतार को मां आदिशक्ति देवी सती का राक्षसी अवतार माना जाता है, उग्र रूप माना जाता है, और इसीलिए यहां पशु बलि भी दी जाती है। जी हां, खासकर काली पूजा और दुर्गा पूजा के दौरान यहां पर पशु बलि देने की काफ़ी प्राचीन परम्परा है, और यहाँ बकरे और भैंसे दोनों का ही यहाँ पर बलिदान किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ देवी शराब और मांस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। यहाँ भी आपको कोई मूर्ति दिखाई नहीं देगी, ये वास्तव में एक छोटे पानी की खाई के रूप में यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। ये गुवाहाटी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है भाई। प्रसिद्ध जोर पुखरी के बगल में यह स्थित है। 1725 में अहोम राजा यहाँ पर थे, जो राज किया करते थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1897 में यह मंदिर भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 1725 का मंदिर है भाई, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और देखना बनता है। इसके अलावा यहाँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पास में एक लंकेश्वर मंदिर है, ये भी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। लंकेश्वर जो कि भगवान शिव का एक और अवतार है, यहाँ इनकी पूजा की जाती है। बहुत ही अद्भुत स्थान है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जहाँ पर्यटक लोग और स्थानीय लोग घूमने के लिए लगातार यहाँ आते हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको मालूम ही है कि लंका का राजा रावण था, जिसने यहाँ पर भोलेनाथ शिव का पूजन किया था, और यहीं से ये लंकेश्वर शब्द आया है।
ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 452 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है, जो कि संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं। तो इन सीढ़ियों पर आप जब चढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा ही आने वाला है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शांत है और ऊंचाई पर है, जहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत दृश्यों को निहार सकते हैं। लंकेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ी आरती की जाती है और यहाँ एक मेला सा भर जाता है। तो अधिकांश भक्त और पर्यटन महाशिवरात्रि के आसपास ही अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं। आप भी इसी तरह से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा गुवाहाटी के प्रसिद्ध मंदिरों में एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो कि माँ कामाख्या मंदिर के बाद में आता है, वो है नवग्रह मंदिर। जी हाँ, नौ ग्रहों के देवता, नौ ग्रहों के मंदिर के रूप में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर पत्थरों से बनाया गया है, जिसमें नौ खगोलीय पिंडों का आपको उल्लेख मिलेगा, दर्शन करने को मिलेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में इन नौ ग्रहों का बहुत ही अधिक महत्व है, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु। तो ये नौ ग्रहों के प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर नौ शिवलिंग बनाए गए हैं, जिनके आप दर्शन करके धन्य हो सकते हैं भाई। दिलचस्प बात यह है कि सूर्य या सूर्य शिवलिंग है, जो हमारे सौर मंडल के गठन को यहाँ पर प्रतिबिंब करने के लिए केंद्र में स्थापित किया गया है। ये मंदिर ज्योतिष शास्त्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जब आप असम गुवाहाटी जाएं, इस मंदिर के दर्शनों के लिए जरूर से जाएं भाई। तो ये थे असम गुवाहाटी के खास और प्रसिद्ध मंदिर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। यदि आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, यदि आप यहाँ की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। बस एक निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रख के, यदि आप इसे अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करते हैं, जिसमें आपका कुछ लगता नहीं है मगर हमारी थोड़ी सहायता भी हो जाएगी और आपके यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों की भी सहायता हो जाएगी भाई। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने का प्रयास करते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर एक बार क्लिक करना है, तो एक बार क्लिक कीजिए। चैनल को विजिट करने के लिए मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।